वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ऊपर, यूटी के ऊपर, इसमें जीएसटी के अंदर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक कॉम्बिनेशन बनाया। वो कॉम्बिनेशन ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में जीएसटी की जो रेवेन्यू होगी उसको आधा आधा क्या करेगी, बांटेगी। और इसकी वजह से जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, उसको स्टेट वाइज रखा गया है। स्टेट वाइज का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत व्यापारी को रजिस्टर्ड होना होता है। जैसे एक मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई मिस्टर ए है जिसका राजस्थान के अंदर व्यापार है, तो अब भारत सरकार उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी जीएसटी में। उसको रजिस्टर्ड होना है राजस्थान सरकार के अंतर्गत, राजस्थान गवर्नमेंट उसको जीएसटी नंबर देगी और उसका जो जीएसटी नंबर होगा उसमें राजस्थान सरकार उसको जीएसटी नंबर देगी। तो उस जीएसटी नंबर में साफ तौर पे आपको ये पता चलेगा कि वो एक राजस्थान का व्यापारी है। और ऐसे केस में जब मिस्टर ए आगे जाके सप्लाई करेगा, मिस्टर ए द्वारा जो भी आगे जाके सप्लाई की जाएगी वो सप्लाई में से आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा और आधा टैक्स राज्य सरकार को जाएगा। और राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। तो देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडर जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है और इसके अंतर्गत आप जिस भी राज्य में व्यापार करेंगे आपको उस राज्य या उस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि आप एक राजस्थान के व्यापारी हो या आप एक मध्य प्रदेश के व्यापारी हो या आप एक पंजाब के व्यापारी हो या आप एक दिल्ली के व्यापारी हो या आप भारत के किसी अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। ये आप किसी भी व्यापारी का जब जीएसटी नंबर देखेंगे उसका, तो हर व्यापारी का अपना जब जीएसटी नंबर जो उसको स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करेगी, तो हर व्यापारी के जीएसटी नंबर के पहले दो डिजिट ये बताएंगे कि वो व्यापारी कौन से राज्य से बिलोंग करता है। जैसे ये एक मैंने जीएसटी नंबर लिखा है, अब ये जीएसटी नंबर देखते ही पता चल जाएगा। फर्स्ट टू डिजिट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इंडिया का कोई भी जीएसटी नंबर उठा के देखो आप, पहले दो डिजिट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जीएसटी नंबर पहले दो डिजिट जो है वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपको जीएसटी नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये जीएसटी नंबर वाला व्यापारी कौन से स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से है। ऑल क्लियर। अब सवाल ये भी आता है कि सर भारत में, ये भारत का मैंने आपके सामने एक मैप भी ओपन कर रखा है, इंडिया का ये पूरा मैप है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं यहां से। भारत के अंदर टोटल मिलाकर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, सवाल ये भी आता है। तो वर्तमान में अगर मैं आज की बात करूं तो भारत के अंदर टोटल मिलाकर 28 स्टेट्स हैं। कितने? 28 स्टेट है और टोटल मिलाकर 9 यूनियन टेरिटरीज है। यानी इनका टोटल आंकड़ा कितना होता है? 37 होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में 31 स्टेट है और 6 यूनियन टेरिटरी है। यानी आंकड़ा तब भी जाके कितना बनता है? 37 ही बनता है। यानी जीएसटी के अंदर 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, ओनली 6 यूनियन टेरिटरी। हकीकत में भारत में 9 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इस वजह से उनको जीएसटी में स्टेट का दर्जा दिया गया है। ऐसे कौन से 3 यूनियन टेरिटरी है जिनको जीएसटी में स्टेट का दर्जा दिया गया? देखिए इंडिया के मैप पर, पहला है दिल्ली, ये पहला जीएसटी में दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया। दूसरा है
पॉन्डिचेरी को भी जीएसटी में स्टेट का दर्जा दिया गया, ध्यान देना। और तीसरा है जम्मू कश्मीर को भी जीएसटी में स्टेट का दर्जा मिला हुआ, ध्यान देना। ऑल क्लियर? सो देर आर 9 यूनियन टेरिटरीज अंडर इंडिया, बट अंडर जीएसटी ओनली 6 यूनियन टेरिटरी इज कंसिडर्ड यूनियन टेरिटरी, और उसके ऊपर यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, ध्यान देना। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? यूटी जीएसटी एक्ट उन यूनियन टेरिटरी के हैं, यानी जब भी उन यूनियन टेरिटरी के अंदर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे तो सी जीएसटी के साथ यूटी जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा। वो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो टैक्स आता है वो केंद्र वसूलती है, और वो टैक्स उन्हीं यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, ध्यान देना, राइट। और बाकी जितने भी राज्य, बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंडिया का, यहां पर मैंने मैप ओपन कर रखा है, सारे भारत के स्टेट्स माने जाते हैं। लद्दाख को भी यहां पर यूनियन टेरिटरी माना गया। देखिए यूटी कौन कौन से, एक तो लद्दाख, एक चंडीगढ़, ये आपका यूटी है, ध्यान देना, लद्दाख आपका यूटी है, दमन और दीव आपका यूटी है, दादरा और नगर हवेली आपका यूटी है, चार यूटी ये है, पांचवा लक्षद्वीप आपका यूटी है, और छठा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका यूटी है, यानी ये छह यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख, इन छह को यूनियन टेरिटरी माना गया। ऑल क्लियर? एक और बात बताता हूं, भारत में जब जीएसटी आया था 2017 में, तो इंडिया के अंदर 11 ऐसे स्टेट थे जिनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था जीएसटी में, और भारत सरकार ने जीएसटी जो काउंसिल है उसने इन 11 राज्यों को विशेष राज्य, स्पेशल स्टेट डिक्लेयर किए थे, और इन 11 राज्यों में 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से इनको जो स्टेट गवर्नमेंट है इन 11 राज्यों की, गवर्नमेंट ने 5 सालों के लिए अपना हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा इन राज्यों में त्यागा था। तो ऐसे 11 स्टेट को जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था, वो 11 ही स्टेट में आपको यहाँ पर सामने मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं जो लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन में आने वाले सारे राज्य, इस लाइन से ऊपर के सारे राज्य ये 11 स्टेट माने जाते हैं। ये आप अब आप देख सकते हैं ये पूरे वो 11 स्टेट है, इन्हें आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी उत्तरी पूर्वी राज्य। इसमें जम्मू कश्मीर, उस वक्त जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लद्दाख नहीं था, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो डिवाइडेशन है वो बाद में हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले स्टेट्स को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में ये दर्जा हटा दिया गया, यानी आज की तारीख में भारत में कोई भी राज्य स्पेशल स्टेट नहीं माना जाता, सारे राज्य इक्वली इंपोर्टेंस वाले राज्य, ध्यान देना, समझ गए। इन राज्यों में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट भी कम थी, और इन राज्यों में केंद्र सरकार अपना हिस्सा इन राज्यों के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए छूट दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ इतना सा है, भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये ऐसे स्टेट हैं भारत के जिन स्टेट में अब सरकार सिर्फ लिमिट, रजिस्ट्रेशन की लिमिट को कम रखा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है इनमें? बहुत कम है, यानी जैसे किसी राज्य में 10 लाख है, किसी में 20 लाख है, तो 10 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पर व्यापारी को उस राज्य में जीएसटी में क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और जिन राज्यों में ये लिमिट 20 लाख, कुछ राज्यों में ये लिमिट 20 लाख की है, तो 20 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर उन राज्यों में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इन राज्यों में एयर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, पैसेंजर एयर ट्रांसपोर्टेशन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अगर आप एयर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी आप एरोप्लेन से इन राज्यों में या तो उड़ान भरते हैं या इन राज्यों से उड़ान भरते हैं, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता, एयर टिकट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं?
भारत में इन राज्यों में अगर आप यात्रा करते हैं वायुयान से एरोप्लेन से तो आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता, एयर टिकट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये सरकार ने इन राज्यों में ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए और भारत के दूसरे राज्यों से या दूसरे हिस्सों से इन राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया हुआ, राइट। अब अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट कौन सा है जीएसटी में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत में जीएसटी में नंबर वन पे आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले स्टेट्स माने जाते हैं, सबसे ज्यादा कमाई का मामले में ये स्टेट ज्यादा आगे हैं, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक चीज आप सबको ध्यान देना है कि अगर कोई राजस्थान का व्यापारी, जैसे जयपुर का कोई व्यापारी है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर कोई सप्लाई करता है तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। और इंटर स्टेट सप्लाई पर सामने वाला व्यापारी क्या जोड़ेगा? टैक्स, आईजीएसटी जोड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई भुवनेश्वर उड़ीसा का कोई व्यापारी उड़ीसा के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करता है तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाता है। राज्य के भीतर की जाने वाली सप्लाई क्या मानी जाएगी? और अगर आपका राज्य है तो वहां पर आपको सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी का कॉम्बो बनेगा। ऑल क्लियर। और अगर मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है, सपोज यहां पर लद्दाख है, लद्दाख का कोई व्यापारी, सपोज यहां पर लद्दाख का एक व्यापारी लद्दाख से ही लद्दाख के अंदर सप्लाई कर रहा है दूसरे जगह पर, तो ये भी इंट्रा स्टेट ही माना जाता है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग बनेगा, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा, लेकिन यहां पर सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी का कॉम्बिनेशन बनेगा, याद रखिएगा। किसका बनेगा? सीजीएसटी पर प्लस यूटी जीएसटी का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से अगर कोई व्यक्ति मुंबई में माल मंगवाता है इंडिया के अंदर, तो बांग्लादेश आउट ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा देश हो गया, और वहां से आप इंडिया में मंगा रहे हो तो इसे इंपोर्ट कहेंगे, और इंपोर्ट पे हमेशा जो भारत में मंगवाने वाली पार्टी है यानी जो खरीददार है उसको रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी चुकाना पड़ेगा, और आगे जाके उसको उस आईजीएसटी की क्रेडिट भी मिल जाएगी, आईटीसी भी मिल जाएगी। यानी इंपोर्ट पर हमेशा आईजीएसटी किसको चुकाना पड़ेगा? खरीदने वाले, जो इंडिया में बैठा हुआ पार्टी, उसको टैक्स देना पड़ेगा सामने से चल के। यानी यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। किसका एप्लीकेबल होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, उसके अंतर्गत टैक्स खरीदार को देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सपोज उदयपुर का है और उदयपुर राजस्थान से अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान में कोई माल सप्लाई कर रहा है तो ये एक्सपोर्ट माना जाएगा, और एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी नहीं लगता क्योंकि एक्सपोर्ट को सरकार ने जीरो रेटेड सप्लाई माना बताया है। क्या बताया? अगर आप भारत से कोई भी चीज बाहर बेचेंगे तो आपको जीएसटी नहीं देना है, और अगर आपको जीएसटी देना भी पड़ा तो वो जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा, ध्यान देना। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट को भी जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। यानी आप किसी एक्सपोर्टर को बेचते हैं और एक्सपोर्टर फिर बाहर एक्सपोर्ट करता है तो इसे डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि जयपुर के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मान लो ये एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और राजस्थान का कोई व्यक्ति उदयपुर का उस जयपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो इसे भी जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है, और इस केस में भी टैक्स नहीं लगता, ध्यान देना, क्योंकि उसे भी एक तरह से डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो भारत में जो विशेष महत्व के आर्थिक क्षेत्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप उसमें भी सप्लाई करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोजीशन थी भारत के मैप पे सारे स्टेट्स की वो मैंने आपको बताया। सो देयर आर 37 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टोटल जिनको जीएसटी के अंदर अलग अलग स्टेट कोड मिले हुए, और स्टेट कोड 2 डिजिट का होता है, और ये स्टेट कोड जो है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा डिस्प्ले करूंगा। देखिए आप स्टेट कोड की अगर अपन लिस्ट की बात करें तो ये आज सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं एक लिस्ट मैंने यहां पर आपके सामने ओपन की है। ये सारे भारत में यूनियन टेरिटरी 1 से लगाकर 37 तक यूनियन टेरिटरी और स्टेट की लिस्ट है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज और इनको जीएसटी में जो डिजिट मिला है वो देख सकते हैं। तो जैसे राजस्थान का 08 है तो ये रहा राजस्थान 08। अब एक सवाल ये भी बनता है, सर ये नंबर कैसे अलॉट हुए होंगे? ये नंबर ऐसे अलॉट हुए हैं, आपको मैं अगर इंडिया के मैप पे इनकी पोजिशन बताऊं
तो जैसे ये भारत का मैप है, ये नंबर ऐसे अलॉट हुए हैं, ये ऐसे चले नंबर, ये ऐसे, यस, ये इस पैटर्न पे चले नंबर। तो सबसे पहला जैसे स्टेट कोड 01 जम्मू कश्मीर का आता है, पंजाब का जैसे 03 आता है, राजस्थान का जैसे 08 आता है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, महाराष्ट्र का 27 आता है, तो ऐसे स्टेट कोड मिले हुए हैं। और शुरू में जब जीएसटी 2017 में आया तब स्टेट कोड की लिस्ट बन गई थी, और उसके बाद जो भी यूनियन टेरिटरी नई बनी या जो नए स्टेट बने उनको बाद में नंबर अलॉट हुए। जैसे तेलंगाना बाद में बना तो तेलंगाना का स्टेट कोड ऑब्वियसली बात है क्या होगा, उसको बाद में मिला होगा। ये देखिए 36 नंबर मिला उसको, क्या मिला, 36 नंबर मिला। आंध्र प्रदेश का नया स्टेट कोड डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर नया आंध्र प्रदेश जो है उसको 37 नंबर मिला। तो ये स्टेट कोड है, और स्टेट कोड का बहुत महत्व होता है, जो कि आपको किसी भी स्टेट के जीएसटी नंबर में देखने को मिलेगा। भारत में अगर राजस्थान का कोई व्यापारी है तो उसका जीएसटी नंबर शुरू होता है कहां से, 08 से ही शुरू होगा। लेकिन अगर वो व्यापारी दिल्ली में जाता है तो उसका जीएसटी नंबर 07 होगा, उसका जीएसटी नंबर दिल्ली वाले का 07 से शुरू होता है। पंजाब का कोई भी व्यापारी का उठा के देख लो, 03 मिलेगा, लेकिन चंडीगढ़ जो कि पंजाब में ही आता है उसके व्यापारी का नंबर होगा 04। चंडीगढ़ के व्यापारी 04, क्योंकि यूनियन टेरिटरी माना जाता है चंडीगढ़ को, जबकि पंजाब रेस्ट ऑफ द पंजाब का 03 स्टेट कोड होगा। ऑल क्लियर? अब थोड़ा और भी चीजों पर डिस्कस करते हैं। स्टेट कोड हो गए, अब मैं आपको एक और ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अब सवाल यह आता है कि सर कोई व्यापारी मुझसे ये पूछ रहा था कि उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना है। तो पहले हमेशा कभी भी किसी भी व्यापारी कोई आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि सामने वाले को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप उससे सबसे पहले तो ये पूछिए कि वो गुड्स में डील करता है या वो सर्विस का डील करता है, क्योंकि दोनों में रजिस्ट्रेशन लिमिट अलग है। तो पहला सवाल आपका होगा क्या, टाइप ऑफ सप्लाई, क्या होगा कि वो किस तरीके की सप्लाई करता है, तो ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है उसका स्टेट कौन सा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट अलग अलग होती है। तो देखिए पहला सवाल टाइप ऑफ सप्लाई का होता है, दूसरा सवाल स्टेट का होता है। सर कैसे पता पड़ेगा बताओ, तो मैं बताता हूं। मैंने जब उससे सवाल पूछा कि भैया गुड्स में का व्यापार करता है कि सर्विस का करता है, तो वो बोलता है कि सर मेरे कपड़ों की दुकान है, मतलब गुड्स का। फिर मैंने उससे पूछा कि कौन से राज्य में, उसने बोला सर मेरी जयपुर में है, तो स्टेट क्लियर हो गया कौन सा, राजस्थान। तो इससे ये तय हो जाता है कि उसको जीएसटी में कंपल्सरी तौर पर कब रजिस्टर्ड होना है उसकी। अब आपको देखना थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है उस स्टेट की, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। तो गुड्स के केस में राजस्थान में थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख की, जब तक उसका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस नहीं करे तब तक उसको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपसे आपको उसको उसको पूछना है कि भैया तेरा टर्नओवर कितना है, तेरी सेल कितनी है, उसे कौन सा सवाल पूछोगे आप, सेल कितनी है, तो बोलेगा कि सर मेरा तो साल भर का सेल, व्हाट। आप तीसरा सवाल क्या पूछेंगे, एनुअल टर्नओवर ATO, तो बोलेगा कि सर मैं साल भर में 20-1 लाख रुपए की सेल करता हूं, तो देर इज नो नीड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बिकॉज यू आर नॉट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट। तो एनुअल टर्नओवर अगर इतना है ही नहीं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीएसटी नंबर कोई बच्चों के खेलने का खिलौना तो है नहीं कि वह ट्राई कर लेता हूं वह ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता है ना। एक बार जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए तो आपको जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस पालन करने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको समय पे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, टैक्स लेना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको जगह जगह पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप ये इंश्योर कर लें कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लायबल है, तभी जीएसटी नंबर लें, अदरवाइज न लें। एक सवाल आप और पूछ सकते हो उससे, वो सवाल ये होता है कि क्या तू इंटर स्टेट सप्लाई करता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या तेरा माल किसी दूसरे राज्य में जाता है। अगर उसका आंसर हुआ यस तो आपका भी आंसर यस होगा, मतलब हाँ सर मेरा माल तो बाहर भी जाता है, तो तेरे को जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, टर्नओवर नहीं देखा जाता।
जो व्यक्ति दूसरे राज्य में, दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक्सपोर्ट करता है या भेजता है दूसरे राज्य में, उसको कंपलसरी तौर पर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ध्यान देना। अगर उसका आंसर हुआ नो, तो आपका आंसर भी इस केस में नो हो जाएगा कि नहीं सर, मेरा दूसरे राज्य में नहीं जाता है, मैं तो काउंटर सेल करता हूं, कस्टमर मेरी दुकान पे आता है, प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है, मैं कहीं किसी को नहीं बेचता सर बाहर, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा 20 लाख का टर्नओवर है, जब तू इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है, तो तेरे को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तब लेनी जब तू 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर सालाना करने लगे। समझ में आ रहा है? ओके। सो देखिए, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, अभी बात कर रहा था मिजोरम, मिजोरम की अगर भौगोलिक स्थिति देखोगे तो मिजोरम मेरे हिसाब से भारत में सबसे साइड में पड़ा हुआ स्टेट है। सर आपको कैसे पता पड़ा? ये रहा, इसकी भारत के दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो सबसे साइड में, क्योंकि एक तो ये सारे स्टेट वैसे भी साइड में, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी इनसे पास में पड़ते हैं हमारे, ठीक है, तो ये स्टेट वैसे भी इंडिया से कटे कटे से है। और मिजोरम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिजोरम की बात कर रहा हूं मैं, त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, मणिपुर और नागालैंड की बात कर रहा हूं, तो ये सारे राज्य देखिए पास पड़ोसी पड़ोसी, ये मिजोरम, मणिपुर, ये त्रिपुरा और ये नागालैंड, इनकी भौगोलिक स्थिति देख लीजिए आप। अब ये सारे, एक और बात बताता हूं कि भारत में ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये आप, ये पूरा पहाड़ी इलाके हैं, इनका जियोग्राफिकल कंडीशंस बिजनेस को फेवर नहीं करता, राइट? तो इनमें इतने बड़े बिजनेसेस भी नहीं होते जितने आपको भारत के रेस्ट ऑफ द एरिया में मिलेंगे। बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट बाकी के स्टेट में आसान है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात देख लो आप, इन साउथ के स्टेट्स में देख लो, बिजनेस करना और वहां के लिए एकदम इजी एटमॉस्फेयर मिलता है, इन स्टेट में ऐसा नहीं है, तो बड़े बिजनेसेस नहीं है, इसलिए इन स्टेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन लिमिट को मात्र 10 लाख कर रखा है। गुड्स का व्यापारी है तब भी 10 लाख से ज्यादा एनुअल टर्नओवर होने पर रजिस्टर्ड होना है, सर्विस के व्यापारी को भी 10 लाख से एनुअल टर्नओवर क्रॉस होने पर रजिस्टर्ड होना है। अगर आप यही कपड़े का व्यापारी नागालैंड से होता या मणिपुर से होता या मिजोरम से होता तो इस बंदे को आपकी जो ओपिनियन है वो बदल जाती, आप बोलते हैं कि भैया क्या कर रहा है अब तक, तेरे को तो 10 लाख क्रॉस होते ही क्या होना था, रजिस्टर्ड होना था, ठीक है। सो इन चार राज्यों में गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है? 10-10 लाख। भारत के कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, 6 राज्य ऐसे भी हैं, पौंडीचेरी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना और उत्तराखंड, इन राज्यों में गुड्स और सर्विसेज के केस में लिमिट कितनी कितनी है? 20 लाख की है। लेकिन भारत के बाकी के जितने भी स्टेट हैं उनमें लिमिट गुड्स के केस में 40 लाख की और सर्विस के केस में 20 लाख की। अब अगर आप एक राजस्थान या एक पंजाब या एक दिल्ली वाले व्यापारी की बात करें तो अगर गुड्स में डील करता है तो 40 लाख क्रॉस होने पर रजिस्टर्ड होना है, सर्विस में डील करता है तो 20 लाख क्रॉस होने पर रजिस्टर्ड होना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्टेट वाइज लिमिट। कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि कौन से राज्य में क्या लिमिट है तो देखिए बहुत ही सिंपल है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में लिमिट कम होती है और नॉर्मल जितने स्टेट्स हैं उनमें गुड्स के केस में 40 होती है और सर्विस के केस में 20 होती है। लेकिन अगर आपसे ये कोई सवाल पूछे कि हम तो गुड्स और सर्विस दोनों भेजते हैं साहब, अब बताओ, तो इसका मतलब आप एक मिक्स सप्लायर हो, मिक्स सप्लायर के केस में 20 लाख की लिमिट मिली कितनी। जैसे कोई बोलता है मेरा कंप्यूटर का सेल एंड सर्विस दोनों का काम है, तो तेरा कंप्यूटर का अगर दोनों का काम है तो तू 20 लाख के ऊपर जाते ही रजिस्टर्ड हो जा, क्योंकि तू सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में तेरे ऊपर सर्विस के नियम लागू होंगे। किसके? सर्विस के नियम लागू होंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी का जो नंबर होता है उसका स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये है आपका फॉर्मेट, कभी कोई भी व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो 15 डिजिट का उसको एक यूनिक नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन लेते ही उस नंबर को हम क्या कहते हैं? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में जितने भी व्यापारी
जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको सेपरेटली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जीएसटी आई एन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जीएसटी आई एन। ये जो जीएसटी आई एन होते हैं ये उस व्यापारी को उसके पैन नंबर के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी व्यापारी का पैन नंबर का फॉर्मेट ये है, 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, 10 में से पहले 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिक और लास्ट का 1 अल्फा होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक अल्फा का कॉम्बिनेशन होता है पैन नंबर, और पैन नंबर के आधार पर ही आपको दिया जाता है क्या? जीएसटीआईएन नंबर। जब आप उस राज्य में अप्लाई करेंगे, जिस भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में, तो पहले 2 डिजिट उस राज्य के स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 डिजिट आपके पैन नंबर होते हैं। ये जो 11वां डिजिट होता है ये आप अपने रजिस्ट्रेशन में कितने प्लेसेस को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि भाई आप आपका एक दुकान और एक गोडाउन है तो आपको यहां पर 2 नंबर मिलेगा। आप बता रहे हैं कि मेरा एक ही बिजनेस प्लेस है तो आपको 1 मिलेगा। आप बता रहे हैं मेरे 5 है तो आपको, आप बता रहे मेरे 12 है तो आपको 12 नहीं मिलेंगे। 9 पे आके, 1 सिंगल डिजिट 9 पे आके अटक जाए। तो ये जो डिजिट होता है 13वां, ये हमेशा एंटिटी नंबर दिखाता है कि आप कितने नंबर ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में शो कर रहे हैं। 14वां डिजिट डिफॉल्ट होता है, यही आता है। आप इंडिया का कोई भी जीएसटी नंबर उठाओ, 14वां डिजिट क्या होता है? जेड होता है। और 15वां डिजिट कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, एबीसीडी में भी हो सकता है, और 1 2 3 4 में भी हो सकता है। यानी आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्टर्ड करने से पहले कि मैं तेरा जीएसटी नंबर बता सकता हूं, पहले 14 डिजिट कुछ तो उसको क्या मिलने ला 10,000, क्योंकि 14 डिजिट तो पहले से ही पता होते कि क्या आएंगे, सिर्फ पता नहीं होता तो कौन सा 15वां नहीं होता बस। ऑल क्लियर? सो इट इज द फॉर्मेट ऑफ जीएसटीआईएन वेयर फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट रिप्रेजेंट पैन नंबर, 11th डिजिट रिप्रेजेंट द एंटिटी कोड, 13 डिजिट राइट, 14 डिजिट रिप्रेजेंट बाय डिफॉल्ट जेड, एंड 15 डिजिट इज द चेक सम डिजिट जो कि कुछ भी हो सकता है अल्फा या न्यूमेरिक। याद है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो इज देयर एनी डाउट?